हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेटेस्ट एचपी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। जितनी भी लेटेस्ट आपकी वैकेंसीज निकली है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी जेओ की वैकेंसीज चली हुई हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको हिमाचल पोस्टल डिपार्टमेंट के बारे में भी बताया था, और आज जो है हम अदर दो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। उससे पहले बहुत सारे लोग जो है मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि बुक्स जो जेओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, हिंदी सेक्शन के लिए और जीके के लिए जो है वो कौन सी बुक्स प्रेफर की जाए। तो सिंपल सा है कि एचपी जीके के लिए आप हिमाचल दर्पण पढ़ लीजिए, और हिंदी सेक्शन के लिए आप हिमाचल हिंदी दर्पण बुक आती है एक, मार्केट से आपको मिल जाएगी, उसको परचेज कर सकते हो। इंग्लिश के लिए आप लूसेंट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें भी सेपरेट आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज निकली है वो निकली है आपकी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में। अब कौन कौन सी वैकेंसीज है, कितनी है, उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को भी, या फिर टेलीग्राम पर। आपने अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो ऑफिशियल जीके स्टडी को जो है आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो आपकी पोस्टें होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी, ठीक है। और जो फीस की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 460 रुपए फीस है, और बाकी सभी के लिए जो है वो 115 रुपए है। जो आपके फीमेल कैंडिडेट है और पीडब्ल्यूडी है तो उनके लिए जो है वो कोई भी फीस यहां पर नहीं रखी गई है। तो सिंपल सा है कि जनरल वालों के लिए आपकी 460, और अदर के लिए चाहे फिर आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उनके लिए जो है वो 115 रुपए है। और जो आपको क्या है कि जो भी आपको फीस सबमिट करवानी है वो यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया गया है, कंट्रोलर CSKHPKB पालमपुर, पेबल एट SBI HPAU पालमपुर, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्म होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसके बाद उसको भरना है, और 26/10/2020 तक जो है आपको जहां ये एड्रेस दिया गया है, जो ऑफिस ऑफ जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार CSKHPKB पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, यहां पर पहुंच जाना चाहिए। और जो ट्राइबल एरियाज है, ठीक है जी, नॉन ट्राइबल एरियाज मतलब जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए है 9/11/2020, यानी कि अगर आप नॉन ट्राइबल एरिया में हो तो 26/10 तक जो है आपको फॉर्म को पहुंचाना है वहां, और अगर आप ट्राइबल एरिया में हो तो 9/11 जो है आपके लिए यहाँ पर टाइम रखा गया है, ठीक है। मतलब कि समय रखा गया है, इतनी डेट तक जो है आप पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक सी। आगे देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें निकली है। सबसे पहले निकली है जो है आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT, ठीक है। पे स्केल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये रहेगी, पे स्केल 10,785 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। मतलब जो आपको स्टार्टिंग पे स्केल मिलेगा, ठीक है। टोटल पोस्टों की बात करें तो 50 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें एससी की 9 है, एससी एक्स सर्विसमैन की 1 है, एससी बीपीएल की 1 है, एसटी की 1 है, एसटी एक्स सर्विसमैन की 1, ओबीसी की 7, ओबीसी बीपीएल की 1, ओबीसी एक्स सर्विसमैन की 1, जनरल की 16 है, और फिर जो जनरल पीडब्ल्यूडी ब्लाइंडनेस एंड लो विजन है उनकी 1 है, फिर डीफ एंड हर्ड ऑफ हियरिंग 1 है, और उसके बाद जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए जो है वो 5 पोस्टें दी गई है। तो टोटल जो है आपकी यहाँ पर 50 पोस्टें हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी स्टेनोटाइपिस्ट की है, इसका भी जो अमाउंट है वो 10,910 रुपए आपको पर मंथ मिलेगा। टोटल पोस्टें जो है वो 5 है, अनरिजर्व्ड 4 है, और एससी की जो है वो 1 है, इसमें ओबीसी की कोई भी पोस्ट नहीं है। क्लर्क की बात करें तो 10,660 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे, यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं, और 4 पोस्टें जो है यहाँ पर टोटल है। अनरिजर्व्ड की है पीडब्ल्यूडी डीफ एंड हर्ड ऑफ हियरिंग 1, अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन की है 1, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 1 है, और ओबीसी की 1 है, ठीक है। फील्ड असिस्टेंट की बात करें 10,610 रुपए, आप 660 रुपए जो है आपको पर मंथ जो है वो सैलरी मिलेगी। टोटल जो पोस्ट हैं वो 10 हैं, अनरिजर्व की 5 हैं, एससी की 2 हैं, ओबीसी की 1 है, और जनरल एक्स सर्विसमैन की 1 है, और ईडब्ल्यूएस की जो है वो 1 है, ठीक है। उसके बाद है आपका जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें एक ही पोस्ट है, वो है आपकी जनरल के लिए, और जो सैलरी है वो आपकी 19,300 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें, सैलरी 10,610 रुपए, सॉरी 10 नहीं 660 रुपए, और टोटल पोस्ट जो है वो आपकी 2 है, जो कि सिर्फ जनरल वालों के लिए है, ठीक है। तो ये 6 कैटेगरी में जो है वो जनरली पोस्टें इसमें निकली है। और आगे देखें तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक और चीज यहाँ पर बोली गई है, द कैंडिडेट वो हैव अर्लियर अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इनकी जो एक जो है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 6/2016 और नंबर 3/2017, अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया है तो आपको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें जेओए के लिए तो सिंपल सा, आपने अगर प्लस 2 की है या फिर आपने जो है वो 2 साल का डिप्लोमा किया है
किसी भी ITI की है आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इसके लिए फिलअप कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपको होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में, और हिंदी में आपके 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि जो आपका JOA वाला पैटर्न और जगह फॉलो होता है वही सेम यहाँ पर फॉलो होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टेनो टाइपिस्ट की। तो प्लस टू अगर आपने की है सिंपल सा तो आपको आना चाहिए, और साथ साथ ही आपको शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग कंप्यूटर में दोनों बोथ लैंग्वेजेस में आनी चाहिए आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, अपॉइंटमेंट के टाइम पे तो यहाँ पर शॉर्ट हैंड की स्पीड दी गई है इंग्लिश 60 वर्ड पर मिनट और हिंदी भी 60 वर्ड पर मिनट, और जो कंप्यूटर में है वो इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो ये इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में आनी चाहिए। ठीक है, बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बोला गया है कि आपको पता होना चाहिए। क्लर्क की अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो प्लस टू एग्जामिनेशन आपने अगर किया है और साथ ही साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, तो यहाँ पर जो क्लर्क वगैरह होते हैं, JOA वगैरह होते हैं, कंप्यूटर जो है वो सब में मांगा है। डिप्लोमा वगैरह के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, सिंपल सा है कि आपको आना चाहिए। फील्ड असिस्टेंट की बात करें तो आपने अगर मैट्रिक की है, ठीक है, सेकेंड क्लास आपने, एटलीस्ट आपकी सेकंड क्लास होनी चाहिए साइंस में, ठीक है, साइंस के साथ, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा है कि वही जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने प्लस टू और टेंथ जो है वो हिमाचल प्रदेश से की है, या फिर आपके पास हिमाचली बोनाफाइड है, दोनों कंडीशन अप्लाई होती है। या तो आपके पास हिमाचली बोनाफाइड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने टेंथ प्लस टू अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हो, टेंथ प्लस टू आपने हिमाचल से की है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट MA with Bachelor of Library Science और MA Library Science, ठीक है, तो Master in Library Science, sorry, तो आप अगर आपने MA की है Library Science में तो आप इसके लिए apply कर सकते हो, या फिर आपने BA की है Library Science में और 3 साल का आपको working experience है semi professional assistant के तौर पर, तो आप इसके लिए apply कर सकते हो। साथ ही साथ आपको जो है knowledge होनी चाहिए typing की, तो आप फिर ये वही post है जिसकी salary जो है वो 19,000 है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो मैट्रिक विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, और बाकी आपकी जो है टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और इन हिंदी, कुछ भी आपका चलेगा अगर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी एक में हो जाए। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या रहेगा। ठीक है, तो अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 85 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें 70% जो है आपका सिलेबस कंप्यूटर का रहने वाला है और 30% आपका जो है वो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, जनरल इंग्लिश और हिंदी जो है आपका इंक्लूड होगा। उसके बाद 15 नंबर की जो है आपकी इवेल्युएशन होगी, यानी कि जो टाइप सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं जो भी गवर्नमेंट के द्वारा आपका किया गया है, जैसा अदर JOA की पोस्टों में होता है वैसा ही सेम जो है यहाँ पर फॉलो होने वाला है। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, मतलब इवेल्युएशन से पहले। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो 85 मार्क्स का जो है यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है, जिसपे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश प्लस टू स्टैंडर्ड की, ठीक है, हिंदी आपकी मैट्रिक स्टैंडर्ड की, जनरल नॉलेज हो गया आपका, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश हो गया, मतलब सभी कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो शॉर्ट हैंड वगैरह की टाइपिंग होगी और फिर आपका इवेल्यूएशन होगा 15 मार्क्स का। ये जो आपकी टाइपिंग होती है ये फिर आपकी सिंपल क्वालिफाई नेचर की होती है। ठीक है, उसके अलावा फिर क्लर्क की बात करें तो 85 मार्क्स का वही सेम पैटर्न है और 15 मार्क्स की आपकी इवेल्यूएशन है। फील्ड असिस्टेंट में भी जो है वो आपका 85 मार्क्स का जो है वो आपका सिलेबस रहेगा और 15 मार्क्स की जो है इवेल्युएशन रहेगी। ठीक है, तो ये बाकी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट का भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है वो आपका बता दिया है कि 26/10/2020 तक जो है शाम 5 बजे तक आपको इस एड्रेस पर जो है वो फॉर्म को भेज देना है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है। एज जो है वो नॉट बिलो देन 18 ईयर्स होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो अदर बताए गए हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म के बारे में वो करना है, भरना वगैरह है, तो आप इसके लिए जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार टेलीग्राम से जाकर इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, तो फिर ताकि आपको अच्छे से जो है इस चीज को समझ आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में। दूसरा नोटिफिकेशन जो आपका आया है वो है आपका ऑफिस ऑफ द डिप्यूटी कमिश्नर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एट रिकांगपियो। ठीक है, जो आपका DC ऑफिस है किन्नौर का, ठीक है, तो वहां पर जो है पोस्ट निकली है, किस किस की निकली है उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट जो है वो है आपकी PN की डेली वेजेस पर, 7 जो है वो आपकी निकली है इसमें पोस्ट है। और अगर ब्रेकअप करें इनका तो 2 पोस्ट है आपकी ST एक्स सर्विसमैन के लिए, 1 पोस्ट है रिजर्व फॉर ST ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए, 3 पोस्ट है रिजर्व है ST BPL के लिए और 1 पोस्ट जो है वो आपकी SC के लिए। तो जनरल और OBC के लिए इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। बात करें अगर डेली वेजेस पर है तो 312 रुपए पर डे के हिसाब से जो है आपको दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक पास जो है वो जरूरी है इसके लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपकी स्वीपर, पार्ट टाइम है ये। ठीक है,
और पांच पोस्टें जो है वो शेड्यूल एसटी की जो है, इसमें सारी पांच पोस्टें हैं, और 39 रुपीज पर आवर, क्योंकि पार्ट टाइम है तो 39 रुपीज पर आवर के हिसाब से जो है वो दिए जाएंगे, और मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशन जो है इसमें रखी गई है 5th पास। ठीक है, द एप्लीकेशन अलोंग विद रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड रीच इन द ऑफिस ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ऑन द ऑन बिफोर 2010-2020, यानी कि 20-10-2020 तक जो है आप इसका फॉर्म भेज दीजिएगा। फॉर्म आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मिल जाएगा। 18 से 45 साल तक मिनिमम जो है वो मतलब एज दी गई है मिनिमम और मैक्सिमम, बाकी यहाँ पर कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है। ठीक है, अब बाकी आप इसको पूरा रीड कर लीजिएगा कि कितनी जो है वो फी जो है वो आपकी 100 रुपीज होगी डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के फेवर में। ठीक है, आपको इनके फेवर में जो है वो फीस भेज देनी है अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर नेम फॉर द पोस्ट ऑफ अप्लाइड कैटेगरी, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको इमेज लगा देनी है, अपनी फादर्स नेम, मदर्स नेम। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आधार नंबर, जेंडर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर भर देना है। बोनाफाइड हिमाचली अगर आप हैं, यस और नो। ठीक है, कैटेगरी वगैरह सब कुछ आपको भरनी है, और उसके बाद यहाँ पर सब कुछ आपको भर वगैरह भर के जो है आपको भेज देना है। ये एडमिट कार्ड भी यहाँ पर दिया गया है, आपको सिंपल सा जो है वो यहाँ पर अपना नेम डालना है, आपका जो है फादर वगैरह नेम डालने हैं, और बाकी जो है वो सारा कुछ आपका ऑफिस के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपको चाहिए तो आप जो है वो टेलीग्राम से जाकर ले सकते हैं, और बाकी दूसरी एडवर्टाइजमेंट भी आप टेलीग्राम से जाकर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।